आप सभी को एन के ज्योग्राफी पॉइंट पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम राजस्थान की राज्य से जो संबंधित आयोग है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे, और जिसमें हम राजस्थान लोक सेवा आयोग जो विगत परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, आप राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 के अंदर की गई, 1952 के अंदर के रूप में की गई। और दूसरा है कि आयोग के कार्यों की नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग सेवा नियम 1951, राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्य नियम सीमा नियम 1951 पारित किए गए, इनमें से कौन से कथन सही है? तो राजस्थान एस सी त्रिपाठी, इसकी एस सी त्रिपाठी की नियुक्ति 1952 के अंदर नहीं की गई थी, 1950 के अंदर की गई। कब की गई? 1950 के अंदर। इसका मतलब पहला कथन तो असत्य है। दूसरा, आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति नहीं, उस समय राज प्रमुख होता था, राज प्रमुख के द्वारा राजस्थान लोक सेवा जो सेवा शर्तें नियम 1951 द्वारा पारित किया गया। इसका मतलब पहला भी कथन असत्य और दूसरा भी कथन असत्य। इसका मतलब इसका आंसर हुआ न एक और न दो, इन दोनों कथन असत्य। लेकिन बात करेंगे राजस्थान राजस्थान लोक सेवा आयोग जो कि भारतीय संविधान का भाग शब्द अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के बीच में इसका उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में गलत है, यानी गलत कथन को छाड़ना। पहला कथन, प्रारंभ में इसमें अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, जिन्हें प्रारंभ में जब इसकी स्थापना हुई आरपीएससी स्थापना 20 अगस्त 1949 के अंदर हुई थी, लेकिन आरपीएससी ने कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1949 में किया था। लेकिन जब आरपीएससी की स्थापना हुई उस समय आरपीएससी का एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होते थे। कितने होते थे? एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होते थे। लेकिन वर्तमान में आरपीसी में सदस्य 1 प्लस कितने हैं? 7 है, यानी कि अध्यक्ष सहित कितने हैं? 8 है। और प्रारंभ में अध्यक्ष सहित कितने थे स्थापना के समय? तो 3 थे। इसका मतलब ये कथन बोल रहे हैं कि अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे, जिन्हें अध्यक्ष सहित स्थापना के समय 1 प्लस 2 थे। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, इसका आंसर है पहला हो गया। और आरबीसी के लिए जो 16 अगस्त 1949 को, यानी कि लोक सेवा आयोग आयोग के लिए एक अध्यादेश जारी किया था, उस समय राजस्थान के तात्कालिक राज प्रमुख स्वाई मानसिंह द्वितीय द्वारा यह अध्यादेश जारी किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आरपीसी की स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को। लेकिन आरपीएससी ने अपना कार्य प्रारंभ कब किया? 22 दिसंबर 1949 को। लेकिन जब आरपीएससी की स्थापना हुई उस समय आरपीएससी में कितने अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? स्थापना के समय एक अध्यक्ष सहित 2 सदस्य होते थे, लेकिन वर्तमान में कितने? एक अध्यक्ष सहित 7 सदस्य। लेकिन यह संशोधन कब किया? तो 2011 के अंदर किया। कब किया? 2011 के अंदर। दूसरा कथन है कि 1951 में राज प्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमन पारित किया गया। जी हाँ, उस समय के तात्कालिक राज प्रमुख कौन थे? स्वाई मान सिंह द्वितीय के द्वारा ये जारी किया। तीसरा है कि मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जब आरबीसी की स्थापना हुई थी उस समय आरबीसी के जो प्रथम अध्यक्ष बनाए थे एस के घोष को बनाया, किसको बनाया था? एस के घोष को बनाए थे। और 2 सदस्य बनाए थे, एक तो एस के घोष जो कि आरपीसी के अध्यक्ष थे, और इसके अलावा 2 सदस्य थे
उन दोनों सदस्यों का नाम पूछा जाता है, देवी शंकर तिवारी, और दूसरे का नाम है एन आर चंदोरकर को, यानी कि आरबीसी की स्थापना हुई उस समय एस के घोष तो आरबीसी के अध्यक्ष थे, और दो सदस्यों का नाम पूछा जाएगा तो देवी शंकर तिवारी थे और एन आर चंदोरकर दो सदस्य थे, और इसकी स्थापना दिसंबर 1949 को हुई थी। यहाँ ये भी कथन सही है, इसका मतलब पहला कथन असत्य है। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, एक नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहला कथन, राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1950 से प्रारंभ हुई, इसका मतलब इसने कार्य प्रारंभ 22 दिसंबर 1950 को किया था। दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 234 अनुच्छेद 315 से 323 तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न कार्य और शक्तियों से संबंधित है। जी हाँ, ये भी कथन सही है। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि आरपीएससी के कार्य व शक्तियों का उल्लेख कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर किया गया, तो आपका आंसर होगा एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 के अंदर भी मिलता है, एक अनुच्छेद 234 के अंदर भी मिलता है, और एक अनुच्छेद 315 से लेकर अनुच्छेद 323 तक, ये अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 234 और अनुच्छेद 315 से 323 तक आरपीसी के कार्य व शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 16 भी एक याद रखना, इनके अंदर आरपीसी की शक्ति व कार्य संबंधित उल्लेख है। इसके अलावा तीसरा कथन है कि प्रारंभ में आयोग में एक अध्यक्ष और तीन सदस्य थे, जिन्हें प्रारंभ में अभी हमने देखा था कि एक प्लस दो सदस्य थे, वर्तमान में एक प्लस सात है, अर्थात अधिकतम आठ है, और यह संशोधन कब हुआ था, 2011 के अंदर। इसका मतलब ये कथन गलत है, और पूछा क्या है, गलत कथन। चौथा कथन है कि राजस्थान के गठन के समय कुल 22 प्रांतों में से केवल 3 प्रांत जयपुर, जोधपुर व बीकानेर में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। जब राजस्थान में राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी, इससे पूर्व राजस्थान की 3 ऐसी रियासत थी जहां से अलग से वहां के लोक सेवा आयोग कार्यरत थी, और जिसके अंदर पहली जोधपुर थी, और जोधपुर में जो लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी वह 1939 के अंदर हुई थी। उसके बाद में जयपुर के अंदर 1940 के अंदर हुई थी, और उसके बाद में बीकानेर के अंदर हुई थी 1946 के अंदर। यानी कि आरपीएससी की स्थापना से पूर्व राजस्थान के कुल 22 प्रांतों में से 3 प्रांत में लोक सेवा आयोग पहले से कार्यरत थी, और वह पहली थी जोधपुर 1949 में स्थापना हुई, जयपुर में 1940 के अंदर स्थापना हुई, और तीसरा नंबर बीकानेर में 1946 के अंदर, यानी कि 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। विधानसभा के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा, संसद के महाभियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा हाईकोर्ट के जांच के बाद में, और राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद में। इसका ऑप्शन कौन सा हुआ सही, 4 नंबर का। एक भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 317 जिसके अंदर लोक सेवक को इसके अंदर आरपीएससी को हटाने का प्रावधान है, आरपीएससी के सदस्य को हटाने का प्रावधान है। अब आरपीएससी के अध्यक्ष प्लस सदस्य को कैसे हटाया जाए, अध्यक्ष प्लस सदस्य को कैसे हटाया जाएगा, किस आधार पर, आपसे आधार पूछा जाए कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को, तो दो आधार होते हैं, एक तो सिद्ध कदाचार के आधार पर, दूसरा भ्रष्टाचार के आधार पर। और आरबीसी के अध्यक्ष व सदस्य कौन हटाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। कौन हटाएगा, भारत का राष्ट्रपति हटाएगा। क्या भारत का राष्ट्रपति किसी के सलाह पर हटाएगा या अपनी मर्जी से, तो भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 317 में लिखा है कि आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य को किस आधार पर हटाया जाएगा, सिद्ध कदाचार व भ्रष्टाचार के आधार पर। अच्छा, कौन हटाएगा, तो भारत का राष्ट्रपति हटाएगा, और वो कैसे हटाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में हटाएगा। लेकिन एक और है, जब आरपीएससी के
अध्यक्ष व सदस्यों की जान चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल उन सदस्यों को निलंबन कर सकता है। क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है। तो आरबीसी के अध्यक्ष व सदस्य को हटाएगा कौन? भारत का राष्ट्रपति। लेकिन उन सदस्यों को जांच के दौरान निलंबन कौन कर सकता है? तो राज्य का राज्यपाल कर सकता है। और ये दोनों चीजें अलग अलग है, आपको याद रखनी है। तो इसका आंसर होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जाता है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद में हटाया जाता है। और ये लिखा है अनुच्छेद 317 में। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंधन करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। अभी हमने देखा था कि राजस्थान के अंदर जब आरपीसी की स्थापना हुई थी उससे पूर्व भी राजस्थान की 3 प्रांत ऐसी थी जहां पर अलग से लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। और हमने देखा था कि पहली जोधपुर थी और जोधपुर के अंदर 1939 के अंदर स्थापना हुई। उसके बाद में हमने जयपुर देखी और जयपुर के अंदर 1940 के अंदर हुई और उसके बाद में बीकानेर और बीकानेर में 1946 के अंदर हुई। कब हुई? 1946 के अंदर। तो आरबीसी की स्थापना से पूर्व 3 ऐसी प्रांत थे जहां पर लोक सेवा आयोग कार्यरत थी। इसका आंसर हुआ 4 नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग से प्रभाव में आया यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग कब अपना कार्य प्रारंभ किया? तो 20 अगस्त 1949 को तो इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन आरबीसी ने अपना कार्य प्रारंभ, ये तो इसका गठन या स्थापना दोनों की डेटे अलग अलग है। और यदि पूछे कि कार्य प्रारंभ तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर 1949 को। तो इसका आंसर हुआ 22 दिसंबर 1949 से आरपीसी प्रभाव में आई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। जी हाँ, आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण से, कब से? जब से कार्यभार पद ग्रहण से उसका कार्यकाल अधिकतम कितना होगा? कार्यकाल होगा 6 वर्ष। कितना होगा? 6 वर्ष होगा। लेकिन सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होगी? तो 62 वर्ष। इन दोनों में से जो भी पहले हो आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद पर कार्यरत रहेंगे। लेकिन एक और बात है, आरपीसी की स्थापना हुई थी उस समय आरपीसी के सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी थी? 60 वर्ष थी। तो ये 60 से बढ़ाकर आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु भारतीय संविधान का कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया? तो ये था 41वां संविधान संशोधन 1977 के द्वारा आरपीएससी के जो सदस्य व अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी। और वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तो उसका कार्यकाल और 62 वर्ष उसकी सेवानिवृत्ति आयु, इनमें से जो भी पहले हो वे अपने पद पर बने रहेंगे। तो पहला कथन तो सही हुआ। दूसरा है कि कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है और अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। जी हाँ, ये भी कथन सही है। इसके अंदर एक क्वेश्चन आता है कि यदि कोई आरपीएससी का सदस्य है यदि आरपीएससी का कोई सदस्य है और वह सदस्य पद के बाद में या तो उसका कार्यकाल पूरा हो गया या उसकी सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण हो गई तो उसके बाद में आरपीसी का सदस्य रहा वह व्यक्ति पुनः आरपीसी के सदस्य के रूप में पद धारण नहीं कर सकता। लेकिन वह आरपीसी का अध्यक्ष बन सकता है, लेकिन वह आरपीसी के अध्यक्ष पद के लिए वह पात्र होगा। इसके अलावा यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। तो इससे ये बात साफ हो गई कि आरपीसी का यदि कोई सदस्य है और वह सेवानिवृत्ति होने के बाद में पुनः अपने पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, लेकिन
वह आरपीसी का सदस्य रहने के बाद में आरपीसी का अध्यक्ष बन सकता है, यूपीएससी का सदस्य बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। इसके अलावा यदि कोई आरपीसी का अध्यक्ष रहा है तो वह अध्यक्ष के बाद में अपने पद पर पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होगा, तो फिर वह यूपीएससी का सदस्य बन सकता है और यूपीएससी का अध्यक्ष बन सकता है। ये दो बातें अलग अलग आपको याद रखनी है। तो इसमें पूछा कि कौन सा कथन सही है, तो ये दोनों ही कथन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नहीं रहे, यानी कि आरपीसी के ऐसे कौन कौन से अध्यक्ष हैं जो कार्यवाहक अध्यक्ष रहे, जीपी पिलानिया, एलएल जोशी, एसएस टांक, एसएन मीणा। तो जीपी पिलानिया आरपीसी के अब तक कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे। अब तक आरपीसी के सात, कुल कितने, सात कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके, सात कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके और इन सातों के नाम आपको याद होने चाहिए। प्रश्न पूछा जाएगा कि आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष कौन थे, तो आपका आंसर क्या होगा, आरपीएससी के प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष थे एल एल जोशी। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, दूसरे नंबर एस सी सिंगारिया, तीसरे एस एस टाक, चौथे एस एन मीणा, पांचवे आर डी सैनी, छठे शिव सिंह राठौड़ और सातवें नंबर जसवंत सिंह राठी। तो अब तक आरपीसी के सात कार्यवाहक अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रथम अध्यक्ष एल एल जोशी रहे थे, दूसरे एस सी सिंगारिया रहे थे, तीसरे नंबर एस एस टांक रहे थे, चौथे नंबर एस एन मीणा रहे थे और पांच नंबर आर डी सैनी रहे थे और छठे नंबर शिव सिंह राठौड़ रहे थे और सातवें नंबर और सबसे अंतिम आरबीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष जसवंत सिंह राठी रहे थे। तो इन सातों के नाम याद होना चाहिए और अगला और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, जीपी पिलानिया, जो कि आरपीसी के कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं रहे थे। नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई, इसका मतलब आरपीसी की ऐसी कौन कौन सी महिला है जो अब तक सदस्य रह चुकी है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अब तक आरपीसी की एक भी महिला अध्यक्ष के रूप में नहीं रही, लेकिन सात महिला ऐसी हैं जो कि आरपीसी की सदस्य के रूप में रह चुकी है और वह महिला, तो पहले नंबर महिला की बात करें तो कांता कुमारी कथुरिया जो आरपीएससी की प्रथम महिला सदस्य बनी थी, दूसरे नंबर कमला भील रही थी, तीसरे नंबर प्रकाशवती शर्मा, चौथे नंबर दिव्या सिंह, पांचवे नंबर राजकुमारी गुजर, छठे नंबर महिला जो कि वर्तमान में भी है संगीता आर्य और सातवें नंबर डॉक्टर मंजू। अब तक आरपीसी में सात महिला ऐसी है जो कि आरपीएससी की सदस्य रह चुकी है और प्रथम कौन थी, कांता कुमारी खदुरिया, दूसरे नंबर कमला भील, तीसरे नंबर प्रकाशवती शर्मा, चौथे नंबर दिया सिंह और पांच नंबर राजकुमारी गुजर, छठे नंबर डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू कुमारी। और डॉक्टर संगीता आर्य और डॉक्टर मंजू जो कि वर्तमान में भी आरपीएससी की सदस्य है और ये पांच पहले रह चुकी है। एक और क्वेश्चन पूछा जा गया कि आरपीसी की ऐसी कौन कौन सी महिला सदस्य जो कि यूपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है, तो ये दो महिला सदस्य, एक कांता कुमारी खतूरिया जो कि यूपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है और एक प्रकाशवती
शर्मा जो कि यूपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है। तो इसका आंसर हुआ कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुई थी, तो इसका आंसर है कमला बेल। और इन बाकी फैक्ट के ऊपर भी आपको यदि आप नोट्स बना रहे तो उसके अंदर ऐड कर देना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य रह चुके हैं, यानी कि ऐसे राजस्थान के कौन से मुख्य सचिव थे जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, तो सावंत दास उज्जवल जो कि राज्य के सचिव मुख्य सचिव भी रह चुके हैं और प्लस आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं, तो रघुकुल तिलक जो कि राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और इसके साथ आरपीएससी के सदस्य भी रह चुके हैं। तो ये दो फैक्ट और याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के सचिव व अध्यक्ष दोनों पर रहे, यानी कि आरपीएससी के ऐसे कौन से अध्यक्ष हैं जो आरपीएससी के सदस्य सचिव भी रहे और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे, तो आपका आंसर होगा एन के बेरवा जो कि आरपीएससी के सचिव भी रहे और आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे। अगला क्वेश्चन, आरपीएससी का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है, आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राज्य का राज्यपाल करता है, और राज्य का राज्यपाल किसकी सलाह पर करता है, तो राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करता है। अच्छा, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो अनुच्छेद 316(1) के तहत राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह से राज्य के आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। और तो आरपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो त्यागपत्र भारत राज्य के राज्यपाल को देते हैं। लेकिन आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य को हटाता कौन है, तो भारत का राष्ट्रपति हटाता है। और किसकी सलाह पर, तो सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में। अच्छा, आरपीसी अपनी रिपोर्ट किसे देती है, तो आरपीसी अपनी रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देती है। आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य को शपथ कौन दिलाता है, लेकिन आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं दिया हुआ, इसका मतलब आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य अपने पद के रूप में शपथ नहीं लेते। तो इसका आंसर होगा आरपीसी का सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, राज्य के राज्यपाल को देते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबन किया जा सकता है, राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल द्वारा और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो हमने अभी देखा था अनुच्छेद 317 के अंदर ये लिखा है कि आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्य को भारत का राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद में हटाता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट की जांच चल रही होती है तो ऐसी स्थिति में उसे सदस्य को निलंबन कौन कर सकता है, तो राज्य का राज्यपाल उन सदस्य को निलंबन कर सकता है। और ये लिखा है अनुच्छेद 317(2) के अंदर जो राज्य का राज्यपाल सदस्य को निलंबन कर सकता है, इसका आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, लोक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है, 22 जून को, 21 सितंबर को, 21 अप्रैल को और 15 अगस्त को। 21 अप्रैल को लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग की निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व महिला सदस्य जो संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य रह चुकी है, अर्थात आरपीएससी की ऐसी कौन कौन सी महिला सदस्य जो यूपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है, कांता कुमारी खतुरिया, श्रीमती कमला बील, श्रीमती प्रकाशवती शर्मा, श्रीमती दिया सिंह। तो कांता कुमारी खतुरिया और प्रकाशवती शर्मा ये दो यूपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है और आरपीएससी की भी सदस्य रह चुकी है। तो इसका आंसर हुआ 1 और 3, 1 और 3, ये 2 नंबर का ऑप्शन। अगला क्वेश्चन,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। पहला कथन है कि सदस्यों की नियुक्ति राज्य का राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जी हाँ, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 316(1) के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर, राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है। और अनुच्छेद 316(2) के अंदर ये लिखा है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग यानी कि जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर अपने यहाँ अलग से संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जा सकता है और इसका गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। और जब संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है तो उनके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये लिखा है अनुच्छेद 316(2) के अंदर। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा ऑप्शन है कि सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। जी नहीं, 65 नहीं आएगा, इसके जगह क्या आएगा? 65 वर्ष आएगा। कितना आएगा? 65 वर्ष आएगा। यही कथन गलत है क्योंकि आरपीसी के अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष और 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। और यूपीएससी का सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी हो। तो ये यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल है, न कि आरपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल, क्योंकि आरपीएससी का कार्यकाल सदस्यों का पद ग्रहण से 6 वर्ष और सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष होती है, लेकिन यूपीएससी के सदस्य व अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और सेवानिवृत्ति का आयु 65 वर्ष होती है, इनमें से जो भी पहले हो। तीसरा है कि सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद के पुनः नियुक्त यानी कि पात्र नहीं हो गया, यानी कि आरपीसी कोई सदस्य रहा है तो वह पुनः अपने पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होता है। और चौथा है कि सदस्य अपने पद से राजस्थान के राज्यपाल द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। जी हाँ, अधूर देखा था, अभी देखा था अनुच्छेद 317(2) के अंदर कि राज्य का राज्यपाल आरपीसी के सदस्य को निलंबित कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, अगले फिर सेकेंड क्लास के अंदर और आरपीसी से संबंधित और क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।